भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मुबारकपुर आजमगढ़ सठियाव से जीएनपुर मुख्य मार्ग बारिश होते ही गड्ढे में तब्दील सड़क पर चलना दुर्भर हो जाता है। वाहन तथा मोटरसाइकिल तो दूर, पैदल चलना भी राहगीरों को मुश्किल हो गया। जबकि इस मार्ग पर जिले के हर बड़े अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। जब भी कोई अधिकारी मुबारकपुर थाने पर जाना होता है, इस मार्ग से गुजरना पड़ता है, फिर भी इस पर किसी भी अधिकारी की नज़र क्यों नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का सांसदीय क्षेत्र तथा बसपा विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली का विधानसभा होने के बावजूद भी इस मार्ग की खस्ता हाल पर आंसू बहा रहा है। जबकि कई समाचार पत्रों में इस सड़क के बारे में कई बार प्रकाशन भी किया जा चुका है और इस बात पर बसपा विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने विधानसभा सत्र के दौरान आवाज़ भी उठाई थी। साथ ही साथ आश्वासन भी मिला था कि जल्द इस मार्ग को ठीक कर दिया जाएगा। आपको बताते चले कि यह मामली एमपी इंटर कॉलेज से मुबारकपुर रोडवेज चौराहे तक लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक सड़क इतनी खराब है कि बारिश के मौसम में पता ही नहीं चलता कि रोड है या कोई तालाब। राहगीरों के आने जाने में इतनी दिक्कत होती है कि लोग अक्सर गड्ढे में गिर जाते हैं और उनका कपड़ा तो खराब होता है, कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं। शासन प्रशासन की कब इस पर निगाह पड़ेगी, लेकिन इतना तो जरूर है कि आमजन को इस खस्ता सड़क से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चूँकि मुख्य मार्ग होने के कारण यह मार्ग 24 घंटा चालू रहता है। देखना है कि कब सरकार इस पर जागती है और सड़क को गड्ढे से मुक्त कराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सरफुद्दीन आज़म।